नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएमडी न्यूज की खास पेशकश जीत के दावेदार में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। देखिए, 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और तीसरे चरण में कानपुर की 10 सीटों पर मतदान होना है। बात अगर की जाए आज की, तो आज के हमारे खास मेहमान हैं रजनीश तिवारी जी, जो कि बसपा से सीसामऊ के प्रत्याशी है। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो रजनीश तिवारी जी से आज हम जानेंगे कि किस तरीके से, किस आधार पर वो जीत की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन हमारे दर्शकों को बता दें कि 1993 से लगातार वो जनसेवा में सक्रिय हैं। 2002 से अब वो सक्रिय राजनीति में सामने आए, तो 30 साल से जनता की सेवा के उद्देश्य से वो जनसेवा में लगे हुए हैं। रजनीश जी, मैंने तो अपनी तरफ से परिचय अपने दर्शकों को दिया, लेकिन आप अपने शब्दों में मैं चाहूंगी कि अपने बारे में बताएं। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को प्रणाम करता हूं, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार जी, माताओं बहनों, पर्दा नसीन बहनों को भी, माताओं को भी मैं प्रणाम करते हुए, मैं सीसामऊ विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूं और आप लोगों की सेवा में सदैव लगा रहा हूं, आधे लगा रहना चाहता हूं। तो सीसामऊ की सीट और सीसामऊ से आप प्रत्याशी हैं, बहुत ही हाई प्रोफाइल ये सीट है और जिस तरीके से बात की जाए, तमाम अन्य राजनीतिक दल भी इस पर मुख्य दावेदारी अपनी करते आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि उनका पूरी पकड़ है, अच्छी स्थिति में खुद को बता रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में बताएं, किस आधार पर आप इस सीट पर अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं। भाई, मैं आपको बता दूं कि मैं इस सीट में, इसी विधानसभा में पैदा हुआ हूँ जी, और वही पढ़ा लिखा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ। 93 से मैं बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुआ, उसके बाद में बीच में मेरे साथ एक हादसा हुआ, गोलीकांड कराया कुछ विरोधी पार्टी के लोगों ने, जिसमें मैं बहुत गंभीर घायल हुआ। घायल होने दौरान 6-7 साल मैं हॉस्पिटल में इधर उधर रहा जी। उसके बाद में 2002 में हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने हमको फिर, तब यहानगर विधानसभा होती थी, मुझे टिकट दिया, मैं यहाँ पे लड़ा। दुर्भाग्य से मैं बड़ी अच्छी स्थिति में रहा, लेकिन मैं चुनाव हार गया जी जी। उसके बाद से फिर हमें बीच में टिकट मिला, किसी तरह मेरा टिकट वो कैंसिल हो गया। अब फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ। देखिए, मैं क्षेत्र की सेवा करने में हमेशा लगा रहा हूँ, जनता के सुख दुख में, क्षेत्र में हर समाज के लोगों के, चाहे दलित समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे कायस्थ समाज हो, चाहे OBC हो, चाहे अदर अन्य समाज में या सिख समाज हो, सबके बीच में रह के मैंने काम किया, उनके सुख दुख में खड़ा रहा हूँ, अभी लोगों के बीच में आया हूँ जी जी। अगर जिस तरीके से लगातार आप बात कर रहे हैं कि लोगों के सुख दुख में खड़े रहे हैं, 30 साल का एक लंबी अवधि है जनसेवा में आप लगे हुए हैं और ये मौका है इस वक्त जिस तरीके से अजीत की दावेदारी का, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? मुद्दे ये हैं, पहली बात तो मैं उस विधानसभा का निवासी, इसलिए हर मुद्दे से भली बात परिचित हूँ जी, कोई हमें बताने की जरूरत नहीं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, एक सकारात्मक पहलू यहाँ पर जनता के लिए और लाभ के लिए। सभी यही चाहते हैं कि जो हमारा जनप्रतिनिधि हो वो हमारी समस्याओं से बेहतरी से, बारीकी से परिचित हो। तो मुद्दे क्या कुछ उठा रहे हैं आप? मैं 24 घंटे उन लोगों के बीच में रहता ही हूँ जी, क्षेत्र में रहता हूँ, तो रात दिन वही उन्हीं के साथ रहना है जी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, जो इस समय मौजूदा विधायक है, उस विधायक जो इस समय पूर्व विधायक है, चुनाव लड़ रहे हैं, उससे पहले वो विधायक, उनके परिवार में विधायक ही रही, उन्होंने क्या किया, क्षेत्र में विकास नाम की कोई चीज नहीं की। वो समझते थे मेरी ये पैतृक सीट है जी, मेरी पुश्तैनी सीट हो गई है, इसलिए जब वो समझ रहे, तो इसलिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। और काम करने के उसमें ना तो कोई सड़कें बनी है, ना गलियां बनी है, ना नालियां बनी है, नालियां बजबजा रही है, मलिन बस्तियों में लोग, जनता में मलिन बस्ती में लोग वही शौच कर रहे हैं। दावे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत करती है, मैंने इतने सोच में इज्जत घर बनाए, लेकिन सब इज्जत घर हवा हवाई है। मलिन बस्तियों में जाके आप देखें, नालियां बजबजा रहे हैं, लोगों को कोई वहां सुविधा नहीं है, नाल की जीवन जी रहे हैं। उसके अलावा हमारे क्षेत्र में 3 बाजारें बहुत बड़ी पड़ती हैं जी। एक सीसामऊ बाजार जो एशिया की जानी मानी बाजार है, दूसरी बाजार गुमटी नंबर 5 है, तीसरी ग्वाल टोली है जी। इन बाजारों में कोई महिलाओं या पुरुषों के लिए कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। महिलाएं जाती हैं कहीं दूर जाके, किसी घरों के दरवाजा खटखटा के वहां पे शौच के लिए अगर उनको जरूरत पड़ी जाती, पुरुष की भी यही स्थिति है। तो इसलिए यह कोई काम नहीं हुआ। मलिन बस्तियां इतनी बुरी स्थिति में है कि उनके अंदर तो जाना भी मुश्किल है, नरकी जीवन वो लोग जी रहे, आम पब्लिक का कोई आदमी जा ही नहीं पाता। और ये जितने नेता दावे करते आए हैं, चाहे मौजूदा विधायक हो
चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, ये लोग किसी ने कभी कुछ नहीं देखा जी। तो इसलिए अगर जनता हमको मौका देती है तो मैं विकास जो नालियां बजा रही हैं इनकी पूरा ठीक करवाऊंगा, पूरा निर्माण कराऊंगा, सड़कों का सारी चीजें कराऊंगा। बाजारों में व्यापारी कोरोना काल में पीड़ित हो चुका है, उस व्यापारी के लिए सरकारी तंत्र से प्राइवेट तंत्र से उनको स्थापित करने के लिए पूरे कोशिश करके उनको स्थापित करूंगा। क्षेत्र में मलिन बस्तियां जो हैं उनको मैं पूरी तरह से पुनः निर्माण उनका करा के मलिन बस्तियों अच्छा जीवन वहाँ की जनता को जीने के लिए दूंगा। रही बात हमारे क्षेत्र में सफाई कर्मचारी बहुत ज्यादा है जी जी। वो एजी दारी पे नौकरी करते हैं, 5,000, 6,000, 4,000 उसमें भी कमीशन कट जाता है। वो तो उनको मैं मेरी सरकार मेरी बहन कुमारी मायावती जी सरकार नौकरी देने में बहुत आगे रही थी। ये सरकार ने तो कोई नौकरी थी नहीं, नौकरी निकाली तो कोर्ट से स्टे मंगवा दिया। पूर्व की सरकार जो थी समाजवादी पार्टी की, उसने भी नौकरी लगवाती पैसे लेके लगते, नहीं पैसे मिले तो स्टे करवा देती थी। तो इसलिए बहन जी नौकरी बगैर पैसे बगैर उसके देश के वो सभी जाति सभी धर्म लोगों को देती हैं। क्षेत्र में हमारे मंदिरों की भी बड़ी बुरी स्थिति है जी। मंदिर पुराने, मंदिर का पुराना ये क्षेत्र है, विधानसभा जो है पुराने क्षेत्र से ही जुड़ी पूरी है, पुराने लोग यही रहने वाले। मंदिरों का जीर्णोद्धार कराऊंगा, पुजारियों की बड़ी बदतर स्थिति है, उनके परिवार को जीवन यापन के लिए अगर मेरी तनख्वाह भी पूरी देनी पड़े उनको गरीब बच्चों को पढ़ाने में तो मैं वो भी पूरी दे दूंगा अपनी जी जी। मैं जनता के लिए सदैव सारे काम करने के लिए बाजारों में शौचालय, व्यापारियों की सुरक्षा, विकास और नौकरियां जो लोग हैं प्राइवेट या सरकारी तंत्र से वो दिलवाऊंगा, ये सारे कार्य कराऊंगा मैं जी। बिल्कुल, देखिए आम जनता जो होती है वो अपने नेता से यही उम्मीद करती है कि जो नेता है, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, वो हमारी तरफ पूरी तरह से समर्पित हो। ये बातें आप कह रहे हैं और इससे निश्चित तौर पर खुशी हो रही होगी, हमारी जनता भी खुश होगी। तमाम मुद्दे आपने गिनवाए। अगर सिलसिलेवार तरीके से बात की जाए और अपराध की अगर बात की जाए, कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए, तो इससे कितने संतुष्ट हैं फिलहाल आप? अपराध लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार में है ही नहीं। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर आज की तारीख में पुलिस की लूट है, खुलेआम लूट है, और गरीब जनता सबसे ज्यादा उसमें पीड़ित है। क्यों? रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, वो पता चला जरा सी कोई बात हो गई नहीं पुलिस उठा ले गई, लाओ 5,000 लाओ 10,000, ये पुलिस लूट कर रही। और पुलिस का लूट का परिणाम ये है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा अत्याचार ब्राह्मणों पे हुए। ब्राह्मण चुन चुन के मारे गए। एक नाबालिग बच्ची थी खुशी दुबे, भले उसके यहाँ उसका 2 दिन पहले शादी हुई थी, शादी के बाद ही उसको पति को मार भी दिया गया और उसको जेल में सड़वा रहे हैं। तो अपराध तो इस चरम सीमा पर सरकार कहती है ये तो पुलिस प्रक्रिया पुलिस कर रही है। पुलिस तो सरकार से ही है, सरकार अमित भाई जी की सरकार होती है, लॉ एंड ऑर्डर उतना अच्छा चलता है, कानून व्यवस्था में कोई चू नहीं कर सकता है, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो चाहे कोई भी मामला हो। बहन जी के टाइम में ना दंगे होते हैं ना कोई बवाल होता है, और पुलिस राइट टाइम 10 बजे अधिकारी बैठ जाता है, 10 बजे जनता का काम होता, डीएम 10 बजे आ जाता है, हर काम में ना घूसखोरी होती ना कोई होता। मैं जनता से यही कहूंगा कि सीसामो विधान से मुझे जिता के भेज के बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनाए और उनको हाथों को मजबूत करे जी। तो कानून व्यवस्था को लेकर के जिन बिंदुओं पर अभी आम जनता नाराज दिखती है, असहमत दिखती है काम करने के तरीके से, तो इन पर आप काम करेंगे, इसे दूर करेंगे और सुचारू रूप से चलाएंगे। वही बात अगर की जाए व्यापारियों की, आपने बाजारों का जिक्र किया, महत्वपूर्ण बाजार का आपने नाम लिया, व्यापारियों की स्थिति से आपको क्या लगता है, कौन कौन सी ऐसी परेशानी है, उनके मुद्दे हैं और उस पर आप काम क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे? पहली बात व्यापारियों का, पहली कोरोना काल में व्यापारी पीड़ित हो गया है जी। व्यापार नाम की चीज बिल्कुल खत्म हो गई है। लोग जनता जाना चाहती है लेकिन वहां पता चला सेल टैक्स, जीएसटी और ईडीपीडी सभी लोग वहां रोज छापे डाला करते हैं। व्यापारी उससे पीड़ित है, छोटा दुकानदार है, सही काम भी कर रहा है लेकिन उसको वो पीड़ित करते हैं वसूली करने के लिए जी, जी। पुलिस तो वसूली कर रही है उनसे, ठीक है। हमारे शहर में जाम की समस्या भी बहुत, हमारी विधानसभा में गुमटी नंबर 5 पे थोड़ा टेबिलू का बाजार के अंदर पूरा जाम, सीसा वो बाजार पे जाम, इसको गवर्नमेंट व्यवस्थित नहीं करा रही है। व्यवस्थित कराने वजह व्यापारी भी जाने में डरता है, पता नहीं कहाँ पे क्या घटना, जब महिलाएं इतना डरती हैं। आज आपको बता दें
क्राइम के मामले में अगर देखे एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, एनसीआरबी ने कहा 2017 से उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार 30% बढ़े हैं। क्या है सरकार के दावे हैं कि मैंने महिलाओं की सुरक्षा की है, महिलाओं को वो किया? ये सरकार झूठ बोल रही है। और चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनमें तो गुंडे ही की पूरी सरकार होती है। इसलिए आप जनता सचेत होके जो प्रतिनिधि उनके बीच में रहे, आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि आया है जो चुनाव लड़ने के लिए, एक विधानसभा से हार चुका, यहाँ संगठन में मजबूती चलते सदस्य विधान परिषद बना दिया गया, एमएलसी हो गया, अब वो लड़ने आया, 27 तक कार्यकाल है। अब क्या बताइए, अब वो क्या जनता का काम करेगा? अगर काम किया होता तो उस विधानसभा नगर से क्यों हराए जाते? जनता ये देखती है कौन हमारी सेवा कर रहा, हमारा काम कर रहा है जी। जनता की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जनता को विकास और इन चीजों की तो जरूरत पड़ती है। अगर बात की जाए जिस तरीके से विकास का आपने जिक्र किया, जनता को विकास चाहिए और हर चुनाव में मुद्दे मुख्य रूप से यही होने चाहिए, यही उद्देश्य है सरकार बनाने का और ये सिस्टम में शामिल होना चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में और इन विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो यहाँ जातीय समीकरणों पर निर्भर रहता है पूरा का पूरा चुनाव। तो कानपुर में सीसामऊ सीट पर आपको क्या स्थिति दिखती है और आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, मुद्दे महत्वपूर्ण है या फिर जातीय समीकरण? जातीय समीकरण मेरे पक्ष में है जी। सीसा विधानसभा में 65 से 70 हजार ब्राह्मण मतदाता है, वो पीड़ित है इस सरकार से, सरकार बदलनी है उनको जी। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी होती है, ब्राह्मण एक उच्च बुद्धि का सोच समझ वाला व्यक्ति है जी। वो सोच समझ के अपने मत का प्रयोग करता है और मत का प्रयोग करेगा। और मैं विधानसभा में अकेला ब्राह्मण प्रत्याशी हूँ जी। रही बात दलित समाज की, दलित समाज भी 35 से 40 हजार के ऊपर है, वो बहन जी के, क्यों बहन जी उस समाज को, सभी समाजों को, चाहे सर्व समाज हो, बहन जी का नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी के हित करते हुए। तो दोनों जातियां, चाहे काय समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे अन्य समाज हो, ओबीसी वगैरह, सभी समाज मेरे साथ हैं और बहन जी के लिए इन सरकार के उत्पीड़न से बहन जी को लाने के लिए आतुर हैं। इससे पहले समाजवादी की सरकार थी, उन्होंने बदल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई जनता, अब वो इनको बदल के बहन जी को फिर देख रही है, बहन जी की तरह आवास लगाए बैठी है और बहन जी की सरकार बनाए और हमको यहाँ से विधायक बना के प्रतिनिधि बना के अपना भेजेंगे। तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की आप बात कर रहे हैं, यानी कि आने वाला समय सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का हो, आप ये चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। और अगर बात की जाए इसी के तहत तो गरीब जो है, हमारे गरीब तबके के लोग हैं जिनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना जुटाना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए क्या प्लान है आपके? उनके लिए मलिन बस्ती लोग, मूलभूत गरीब बस्ती लोग, यहाँ बस्तियाँ ज्यादा है जी, हमारी विधानसभा मलिन बस्तियाँ बहुत है, उनका नियमितीकरण नहीं हुआ है जी। उनको नियमितीकरण कराया जाए। और आज इस विधानसभा के अंदर कोई भी मिल नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, रोजगार बाजारों में सब व्यापार ठप हो चुके। मैं प्रदीप बन के गया तो मैं यहाँ प्राइवेट संसाधनों से यहाँ पे फैक्ट्री लगवाने की जगह बहुत पड़ी हुई है, लेकिन उन जगहों का उपयोग नहीं गवर्नमेंट करती है, इसलिए उनका उपयोग करा के जनता के लिए जो नौजवान लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे, उनको व्यापार उपलब्ध कराया जाएगा, ये सब योजनाएं लाके अपनी विधानसभा को एक ऐतिहासिक विधानसभा, विकासशील विधानसभा में बनाऊंगा जी। सीसामऊ अगर इलाके की बात की जाए, सीट की बात की जाए, तो बाजार बहुत है यहाँ पर, व्यापारियों का बोलबाला है यहाँ पर, तो बाजारों की अगर इन इलाकों की बात की जाए तो आपको क्या लगता है किस तरीके की यहाँ पर कमी है जिसे आप दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे? व्यापारियों का पहली बात तो सबसे बड़ा उनका उत्पीड़न है जी। उत्पीड़न किस तरीके का? प्रशासनिक उत्पीड़न जी जी, प्रशासन चाहे पुलिस हो चाहे अन्य हो, अधिकारी हो, सब व्यापारियों का उत्पीड़न करने के लिए तैयार रहते हैं और फ्री में सामान ले जाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि प्रशासन कानून व्यवस्था नाम की चीज है ही नहीं सरकार में, तो इसलिए कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है यहाँ पे। तो इसलिए मैं उनके लिए कानून व्यवस्था बहाल कराऊंगा, व्यापारियों को जो रोजगार उनके वो है, गवर्नमेंट की बहुत सी योजनाएं होती हैं जो ये खा जाते हैं लोग, ये सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं इनके, लेकिन बहन जी की सरकार में हम लोग प्रतिनिधि अगर बनते हैं तो बहन जी हमारे यहाँ सब खुले हम सबको वो कहती कि आप लोग कुछ नहीं करें, केवल व्यापारी है या आम जनता है उसको पूरी पूरी सुविधा मिलनी चाहिए और उसके पूरे काम होने चाहिए।
ये तो आपने बात कह दी जो सत्ता में है उनको लेकर के ये बात हो गई, लेकिन अगर जो अन्य दावेदार हैं उनको क्या जवाब देंगे? दावेदार क्या, समाजवादी पार्टी जो है जी जी, वहाँ का उसने तो कोई काम ही नहीं किया है, वो तो केवल अपनी मस्ती में घूमा करता है, उसको कोई मतलब नहीं। कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उसको एक वार्ड स्तर की उसने राजनीति की अपनी, उसके अलावा उसकी पूरी विधानसभा उसको जानती तक नहीं, वो कौन है क्या है, वो केवल अपने वार्ड का जानते हैं उसको लोग, बाकी वो जानते भी नहीं कोई जी। तो जो भाजपा के विधायक हैं वो प्रत्याशी हैं और मौजूदा विधायक भी हैं, सदस्य विधान परिषद हैं, तो उनका इस क्षेत्र में कोई व्यवहार नहीं है, और वहाँ क्षेत्र में भी बड़े रूखड़ उसमें माने जाते थे, बड़े वो डिप्लोकेट माइक उनका जनता के बीच में कभी खड़े नहीं होते थे, और वहाँ जनता के लिए मैं ही हूँ अकेला जो क्षेत्र में 24 घंटे रहता हूँ, जनता को उपलब्ध रहता हूँ, गरीबों की मजलूमों की शोषितों की मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ, और मैं वहाँ पे हमेशा उपलब्ध रहा हूँ रहूंगा जी। तो 30 सालों का लंबा आप जिस तरीके से जूझ रहे हैं जनता की सेवा के लिए, एक जिक्र किया आपने घटना का, गोलीकांड का आपने जिक्र किया, मैं चाहूंगी इस पर थोड़ा बात करना, क्योंकि हमारी जनता आपको बेहतर तरीके से जानना चाह रही है, क्या कुछ रहा था वो मामला? 20 अक्टूबर 2003 को शहर के लोगों ने, मैं जब 2002 में चुनाव लड़ा, बहन जी की गवर्नमेंट थी, मैंने उस गवर्नमेंट में जनता के हित के इतने काम किए हैं, आप पता करें तो जनता बताएगी कि रंजीत तिवारी ने मेरे लिए बहुत काम किए उनके सुख दुख में और बगैर किसी लालच के। 2003 में 25 अगस्त को सरकार गिर गई, 20 अक्टूबर 2003 को मेरे ऊपर सूत्रों को बुला के गोलीकांड कराया गया, क्योंकि मुझे बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा बिल्लौर से टिकट होने वाला था। बहुजन समाज पार्टी सारी पार्टियां एकजुट होके ये सोचा ये लड़ेगा तो जीत जाएगा, जनता में इसकी ख्यात अच्छी। उस गोलीकांड में मैं बुरी तरह हताहत हुआ, दुर्भाग्य से एक गोली मेरे अंदर आज भी पड़ी हुई है, लेकिन मैं फिर भी जनता के बीच में रहा हूँ और रह के उसके बावजूद भी फिर आया हूँ जनता के सेवा करने के लिए, और जनता हमको सिर मत्थे लेके और मेरा पूरा सहयोग दे रही है जी। निश्चित तौर पर ये जो आपने बात बताई, ये प्रसंग बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणादायक है, किस तरीके से विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद डटे हुए हैं आप अपने लक्ष्य पर। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अगर बात की जाए हमारे जो वोटर्स हैं उनको क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाह रहा हूँ कि वो अपनी विधानसभा के हमारे सभी सम्माननीय मतदाता वो ये सोचे कौन क्षेत्र में मेरे साथ रहता है और कौन क्षेत्र का है निवासी, बाकी सभी बाहरी हैं, वो आपको उपलब्ध नहीं होंगे। कोई 10 किलोमीटर दूर रहता है, कोई 15 किलोमीटर दूर, कोई 3 किलोमीटर दूर, मैं विधानसभा के अंदर मेन पॉइंट पे रहता हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि जनता अगर हमको अपना वो सहयोग देती है, मत देती है, तो मैं जनता के लिए हमेशा खड़ा उतरूंगा, उनकी कसौटियों में पूरी तरह खड़ा उतरूंगा और उनके साथ सदैव कंधे से कंधा मिलाकर सुख दुख में उनके साथ हर कामकाज में शामिल रहूंगा। तो रजनीश तिवारी जी, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी मेहनत का फल आपको मिले और जनता आप पर भरोसा करे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डाल करके आपको विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जीत के दावेदार में इतना ही, आज हमने मुलाकात की जाना रजनीश तिवारी जी को, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, बने रहिए जेएमटी न्यूज के साथ, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है @jmtnewsflash।